नमस्कार, मैं राजेश्वरी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। घटिटिया पंचायत प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घटिटिया प्रखंड के द्वारा गीता जयंती पर कार सेवकों द्वारा अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त किए जाने के 29 वर्ष पूर्ण होने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के उपलक्ष्य में बजरंग दल का शौर्य संचलन उज्जैन ग्रामीण जिले के प्रतापनगर प्रखंड में रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंचायत प्रांगण में चार धाम मंदिर उज्जैन के आचार्य रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने सभा को संबोधित किया। उसके पश्चात सभी कार्यकर्ता नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः पंचायत प्रांगण पहुंचे, जहां शौर्य संचलन का समापन हुआ। इस दौरान शौर्य संचलन का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। महिला शक्ति ने भी शौर्य संचलन का बड़े उत्साह उमंग के साथ भव्य स्वागत किया। पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण हैं, और हम जो भी बात कहते हैं वो संगठन के अनुशासन में मर्यादा में रहकर बोलते हैं। संगठन को किसी तरह की बात कोई ऊंची आवाज में बोल सके ऐसा कार्य हम नहीं करते, और हमारे प्रशासन की ओर से कदाचित माननीय SDM महोदय यहां होंगे, माननीय TI महोदय यहां होंगे, माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की गाड़ी भी यहां घूम रही है, तो प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण और उनको मैं आश्वस्त कर दूं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े। कई बात ऐसी विवादित नहीं होगी, ना हम कोई राजनीतिक बात करेंगे, ना किसी के समर्थन में, ना किसी के विरोध में, और हम बात भी नहीं करेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत को खंड खंड करने की बात हम नहीं करते, हम भारत को अखंड करने की बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वो मंच है, गाली नहीं दी जाती अपितु भारत माता की जय बोली जाती है। आप लोगों को अभी ताली बजाने के लिए जो निर्देश, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से उज्जैन ग्रामीण जिले का ही शौर्य संचलन था। हर वर्ष संगठन शौर्य सभाएं करता है, शौर्य दिवस मनाता है, जो आज ही के दिन 1992 में 6 दिसंबर के दिन जो बाबरी ढांचा ध्वस्त किया था, हिंदू समाज में लगे माथे पर जो कलंक था उसको मिटा उपलक्ष्य में करता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए शौर्य संचलन निकाला है। पूरे नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज लेकर नगर में यात्रा निकाली, और परिषद के बजरंग दल के पदाधिकारीगण हमारे साथ यहाँ थे, उनका बौद्धिक हुआ उद्बोधन हुआ, और कार्यकर्ताओं को आगामी संदेश देते हुए समाज में सेवा कार्य करते रहना और भारत को अखंड भारत बने इसके लिए प्रयत्न करते रहे, ऐसा सब लोगों ने संकल्प करते हुए शौर्य संचलन का नाम ये संगठन की योजना है। शौर्य यात्रा प्रतिवर्ष निकालते थे, इस वर्ष शौर्य संचलन का तय करा केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल ने, और इस वर्ष दिसंबर माह में पूरे देश में प्रत्येक प्रखंड केंद्र पर शौर्य संचलन का कार्यक्रम हुआ है। उसी तहत आज प्रतापनगर प्रखंड उज्जैन ग्रामीण जिले का प्रखंड है, इस प्रखंड केंद्र का आज शौर्य संचलन का कार्यक्रम संपन्न है। घटिटिया से खबर समय जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।